हे गाइस, वेलकम बैक टू द वसुम हैदर व्लॉग। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट व्लॉग में मैंने NIS बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस की थी, तो उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि काफ़ी सारे NIS बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। और अभी मैं यहाँ पर कोचिंग में हूँ और आज मैंने बिठाया हुआ है, आप देख सकते हैं, हैदर सर को पकड़ के। तो अभी हम थोड़ा सा आपसे चिट चैट करते हैं। और अच्छा, हिप्पी भी हैं गोद में, तो से हाय। कैसे हो आप सब? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे। और हिप्पी क्या कर रहे हैं यहाँ? हिप्पी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? हाय दोस्तों कर रही हूँ। मैं हाय दोस्तों कर रही हूँ, चलो तो करो ठीक से। और ये फोन किसका है? अच्छा हिप्पी, ये हिप्पी का फोन है, न्यू है ये, दिखाना है क्या? कल से जो है मैंने एक नया फ़ोन लाया था इंस्टीट्यूट के काम के लिए, रिप्लाई के लिए। तो ये MI का एक फ़ोन है, तो 628 GB इसकी है। तो जब से आया ना हिप्पी ने रख लिया, और ये कहती है मेरा फ़ोन है ये, और ये मेरा न्यू फ़ोन है, और बस इसमें यूट्यूब चला दो। मैंने इसमें से यूट्यूब कर दिया अनइंस्टॉल, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखती है, सारे फ़ोन की बैटरी डाउन कर देती है। और इसके लिए कुछ ऐप डाउनलोड किए हैं, ABC किड्स वगैरह के। तो ये जब से फोन को ये दे नहीं रही है मुझे भी। किसका फोन है? हिप्पी ये नहीं, ये आपका नहीं है। अभी ये कहती है हिप्पी का फोन है। कौन लाया इसको? पापा लाए। किसके लिए लाए? मेरे पापा लाए। किसके पापा? ये मेरे पापा। ये तुम्हारे पापा हैं? किसके लिए लाए? किसके लिए लाए फोन ये? ये किसका फोन है बताओ? ये मेरा फोन है। नहीं, ये तो मेरा है। ये मेरा है। आपने तो थैंक यू भी नहीं बोला पापा को। ठीक से बोलो। ओके अच्छा, आप कर क्या रहे हो? बाय द वे जो प्रैक्टिकल हैं बच्चों के, वो रेडी कर रहे हैं प्रैक्टिकल अभी, जो भी प्रैक्टिकल बच्चों के, क्योंकि पहले जो है ना हमारा दिन में स्टाफ प्रैक्टिकल वगैरह बनाता है, जो भी प्रैक्टिकल सोल्व हो रहे हैं, तो बाद में फिर उसको हमें मतलब पूरा टैली करना पड़ता है शाम को मुझे बैठ करके, तो वो टैली कर रहे हैं। हाँ, वो टैली कर रहे हैं इस पर, तो वो सारी इस पे स्क्रीन पर, तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट वो चेक करना पड़ता है काफ़ी बार, जो ना कोई मतलब टीचर से कोई मिस्टेक ना होगी हो या कुछ कोई गलत ना हो जाए, बच्चों गलत कंटेंट ना पहुंच जाए, तो इसी वजह से सारी चीज़ें वही टैली चल रही हैं। जो दिन में आज काम हुआ है, तो शाम को मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं सारा चेक करने में। तो शाम को मुझे सारे प्रैक्टिकल वगैरह भी, फिलहाल हमारा सारा काम जो है वो प्रैक्टिकल पर ही चल रहा है, प्रैक्टिकल ही बन रहे हैं, तो जो भी स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो सारे प्रैक्टिकल में ही लगे हुए हैं। और दूसरा हमारा जो है इंस्टीट्यूट भी, हम जो है इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा उसमें भी लगे हुए हैं, वहाँ भी काम वगैरह स्टार्ट होने वाला है, वहाँ का दिखाएंगे आपको जहाँ इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे हैं हम अपना। जी हाँ, तो ये एक सस्पेंस था, चलो आपने रिवील कर दिया, कोई नहीं। अभी हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है मतलब यहाँ से ये लोकेशन इंस्टीट्यूट है क्या, हमारा पहले एक यमुना विहार में ब्रांच थी, और फिलहाल अभी लॉकडाउन की वजह से 2 साल जैसे लॉकडाउन रहा, तो हमने वहाँ से बंद करके अपने घर पर ही सामान रख लिया था, तो ये पूरा सेटअप घर पर ही बना हुआ है, तो ये पूरा घर बेसिकली हमारा घर है। ये हमारा घर खाली पड़ा था एक्चुअली, में ये घर खाली पड़ा था, तो इसमें मैंने इसको रिपेयर करा के और यहाँ पर ये अपना सेटअप लगा दिया था, और ऑफलाइन क्लास भी यही चलती है ऊपर, ये 3 मंजिल बना हुआ है, तो इसी में क्लासें चलती है ऊपर, 2 मंजिल पे ऊपर क्लास चलती है, और नीचे हमने कर रखा पूरा, ये 100 गज में है पूरा, यहाँ पूरा हमने ऑनलाइन का सेटअप कर रखा है। लेकिन अब है क्या एक्चुअली में, यहाँ पर जो है अब इसको हम बनाएंगे वगैरह, तो अब इसको हम जो है इंस्टीट्यूट हमारा जहाँ था वहीं शिफ्ट करेंगे अब दोबारा से, तो हमने रेंट वगैरह पे ले ली है पूरी बिल्डिंग वो, और 200 गज की बिल्डिंग है जिसमें हम अपना इंस्टीट्यूट ट्रांसफर करेंगे, तो अब वहाँ 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ, तो वो भी दिखाएंगे कि अभी हमारी नई लोकेशन क्या हो गई, किस तरीके से हमारी क्लासेस वगैरह होंगी वहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा और बेटर, मतलब बेटर ही देख रहे हैं कि कुछ और बेहतर हो, बिकॉज आपको पता है स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो जो क्राउड है वो काफ़ी मतलब आ रहा था अभी स्टूडेंट्स का ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, और तो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपनी पुरानी लोकेशन पर चले जाएं। तो अभी हम आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी सारी शिफ्टिंग यहाँ से होने वाली है, तो चलिए आई होप। और हाँ गाइस, अगर प्रैक्टिकल किसी स्टूडेंट्स को चाहिए, NIS बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो आप हमारे ऐप से जाकर के उनको ले सकते हैं। ऐप पर पब्लिक हो जाएंगे, तो आप ऐप से हमारे प्रैक्टिकल वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो ऐप का नेम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, साथ ही आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज NIS बोर्ड के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता ही है, ऑफिशियल नंबर जो है हमारा 7303838500, इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप प्रैक्टिकल के लिए पूछ सकते हैं और मंगवा सकते हैं।
सो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपके मन में भी अगर किसी टॉपिक से लेकर रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमसे बता सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऑल अपकमिंग व्लॉग्स। बाकी आपको हमारी हिप्पी और हिप्पी का न्यू फोन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना। चलिए हिप्पी बाय करिए और क्या बोलोगे आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। फूटा फूटा अपना हिप्पी बोल के सब्सक्राइब तो सभी सब्सक्राइब कर देना। तो सब्सक्राइब कर देना हिप्पी के कहने से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारी हिप्पी कैसी लगती है। बस ऐसे ही घूमती रहती है पूरे दिन सबको एंटरटेन करती हुई। चलिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ओ माय गॉड न्यू फोन तुमने गिरा दिया। चलो बाय।